जब बात मित्रता की आती है तब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को याद करते हैं। कहां गरीब सुदामा और कहां तीनों लोक के रचयिता भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भला मित्रता में गरीबी और अमीरी का क्या महत्व। उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और अपनी मित्रता को भगवान श्री कृष्ण ने बाखूबी निभाया था। लेकिन पुरानी कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था। आखिर क्यों और क्या वजह थी कि भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएँ ताकि हम नई नई रहस्यमय जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव और सुदामा के बारे में। एक बार स्वर्ग के एक भाग में गोलोक में सुदामा और तुलसी रहते थे। तुलसी एक गुणवान और सुंदर कन्या थी। सुदामा उनकी तरफ खुद को आकर्षित होने से नहीं रोक पाए और फिर सुदामा को तुलसी से प्रेम हो गया। लेकिन तुलसी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। सुदामा इस बात को नहीं जानते थे। जैसे कि आप सभी लोग यह तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण को चाहने वाले तो बहुत थे, पर राधा जितना उन्हें प्रेम कोई नहीं करता और श्री कृष्ण भी राधा से बहुत प्रेम करते थे। अब राधा गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम करने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन कृष्ण ऐसा करते थे तो राधा को बहुत बुरा लगता था। एक बार ऐसा हुआ जब कृष्ण और तुलसी एक साथ टहल रहे थे, उधर से राधा भी वहां पर आ गई। दोनों को एक साथ देखकर राधा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने पूछा कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। इस तरह राधा को पता चल जाता है कि तुलसी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती है। राधा गुस्से में आकर तुलसी को श्राप देती है और कहती है अगले जन्म में तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी और तुम्हारी सिल का छल से हरण होगा। जब राधा रानी के श्राप को फलित होने का समय आता है तो तुलसी एक सुंदर कन्या के रूप में धर्मध्वज के यहाँ जन्म लेती है और उनका नाम तुलसी रखा जाता है। जी हाँ, यह वही तुलसी है जिसे आज पृथ्वी सहित तीनों लोकों में पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। जब श्री कृष्ण और तुलसी गोलोक में थे और राधा वहाँ पर आ जाती हैं तब सुदामा भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और वह भी राधा के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। राधा ने क्रोध में आकर सुदामा को भी श्राप दिया था और कहा अगले जन्म में तुम पृथ्वी लोक पर एक असुर के रूप में जन्म लोगे। श्री राधा के कहे हुए वचन सत्य होते हैं और अगले जन्म में सुदामा असुर राज दंभ के यहाँ पैदा हुए और वह शंखचूड़ के नाम से जाने गए। असुर राज के घर पर शंखचूड़ बड़ा होने लगा। असुर गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर शंखचूड़ ने पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या की। शंखचूड़ ने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान मांगने के लिए कहा। शंखचूड़ ने कहा प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं पर अजय प्राप्त कर सकूं, मुझे युद्ध में कोई भी परास्त न कर पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह तथा अस्तु कह के वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वरदान देते समय उसे एक कवच दिया था जिसे शंखचूड़ ने पहन लिया था। उस कवच को पहनने के बाद शंखचूड़ को युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था। कुछ समय बाद गुरु शुक्राचार्य के आदेश से शंखचूड़ को असुरों का राजा बना दिया गया। उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग लोक पर अधिकार जमा लिया। अपने वरदान का लाभ उठाकर शंखचूड़ तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। शंखचूड़ के दिव्य कवच की वजह से किसी भी देवता की शक्ति और तेज शंखचूड़ के आगे टिक नहीं सके और वह मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। जब शंखचूड़ ने देवताओं पर आक्रमण किया था तब उस समय माता काली भी वहां पर उपस्थित हुई थी। दोनों लोगों में आपस में टक्कर हुई, लेकिन माँ काली के सारे प्रहार व्यर्थ जा रहे थे। कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई जिससे आवाज आई कि हे माँ काली, आप शंखचूड़ को परास्त नहीं कर सकती क्योंकि इसे ब्रह्मा जी से युद्ध में कभी ना हारने का वरदान प्राप्त है।
जब तक शंखचूड़ के शरीर पर यह दिव्य कवच है और इसके साथ देवी तुलसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति है, तब तक इसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा सकता। इधर शंखचूर के अत्याचारों से पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच जाता है। मनुष्य से लेकर देवता भी उससे परेशान हो जाते हैं। फिर सभी देवता शंखचूर से बचने के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को पहले ही यह पता था कि ब्रह्मा जी से शंखचूर को वरदान प्राप्त है। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूर से यह भी कहा था कि तुम पृथ्वी पर ध्वजराज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो। तुलसी ने भी तप करके यह वरदान प्राप्त किया था कि उसका पतिव्रत धर्म कभी समाप्त नहीं होगा, जिसकी वजह से शंखचूर के पास दो दो अजय वरदान प्राप्त थे। तुलसी का पति होने की वजह से उसे कोई नहीं मार सकता था। भगवान शिव यह बात पहले से ही जानते थे। तुलसी के पतिव्रता शक्ति की वजह से शंखचूर को वे भी नहीं मार सकते थे। फिर भगवान शिव ने भगवान विष्णु की सहायता लेते हुए और शंखचूर से उसका कवच लेने के लिए कहते हैं, जिससे शंखचूर को युद्ध में भगवान शिव परास्त कर मृत्यु दे सकें। फिर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप रख के शंखचूर के पास जाते हैं और भिक्षा में उससे कहते हैं कि हे शंखचूर, मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तब शंखचूर कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तुम पहले मुझे वचन दो कि मैं जो भी मांगूंगा वह तुम मुझे जरूर दोगे। शंखचूर भगवान को वचन दे देता है कि आप जो भी मांगोगे मैं उसे अवश्य दूंगा। फिर ब्राह्मण भेष में भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे तुम्हारा कवच चाहिए। फिर शंखचूर भगवान विष्णु को अपना कवच दे देता है। फिर उसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर का रूप रखकर तुलसी के पास जाते हैं। तुलसी को लगता है कि उसका पति है, जिसकी वजह से उसका पतिव्रत धर्म भी टूट जाता है। फिर उसके बाद भगवान शिव और शंखचूर का भयंकर युद्ध होता है और यह युद्ध कई दिनों तक चलता है। फिर अंत में भगवान शिव शंखचूर का उस युद्ध में वध कर देते हैं और फिर सुदामा को असुर योनि से मुक्ति मिल जाती है, जिससे फिर वापस वह गोलोक में भगवान कृष्ण के धाम वापस चले जाते हैं।